जैक से कैसे एक पूरे बिल्डिंग को उठाया जा रहा है, यही लाइव दिखाने के लिए आज हम आपको आए हुए हैं। आप देखिए, रांची के कांके इलाके में इस घर में पानी भर गया था, और पानी भरने के बाद जब मकान मालिक परेशान हो गए तो इस घर को जैक से लिफ्टिंग करवा रहे हैं। करीब 4 फीट यह घर लिफ्ट हो चुका है और 4 फीट इसे किया जाना है। आप देखिए, चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं कि पूरे घर में जैक लगा हुआ है और इस जैक से इस घर को उठाया जा रहा है। करीब 350 जैक इस घर में लगाए गए हैं और मजदूर जो है वो लगे हुए हैं और लगातार इसे लिफ्ट कर रहे हैं। चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। करीब 1200 स्क्वायर फीट में यह घर बना हुआ है और इस घर को किस तरह से लिफ्ट कराया जा रहा है, देखिए एक एक बार ये घुमा रहे हैं। जो यहाँ पर ठेकेदार हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं नंबर, और उस नंबर के हिसाब से इस जैक को जो है घुमाया जा रहा है। आप देखिए, ये बाथरूम था, ये बाथरूम पहले इसका जो फ्लोर था वो यहाँ तक था, अभी यहाँ तक उठ चुका है और इसे भी उठाया जा रहा है। इस पूरे बिल्डिंग को लगातार उठाया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो हमने दिखाया था और बताया था कि किस तरह से इसे उठाया जाता है, लेकिन आज आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से इसे उठाया जा रहा है। ये इसके बगल में ये बड़ा सा बाथरूम है और ये किचन था, किचन भी ऊपर चला गया है और इसे भी उठाया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कई मजदूरों को लगाया गया है और सभी मजदूर एक साथ, जैसे जैसे जो यहाँ पर ठेकेदार हैं वो आवाज़ दे रहे हैं और उसके बाद इस जैक को उसी तरह से घुमाया जा रहा है। आपको एक बार पहले पूरे घर का नज़ारा दिखा देंगे किस तरह से इस घर में यहाँ पर जो मजदूर हैं लगे हुए हैं और लगातार वो आवाज़ दे रहे हैं और उस आवाज़ के हिसाब से ही इस घर को जो है घुमाया जा रहा है। सीढ़ी देखिए, ये फ्लोर से ऊपर हो चुका है, यानी कि करीब 4-5 फीट ऊपर मकान लिफ्ट हो चुका है और लगातार ये लिफ्ट हो रहा है और ऊपर तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घुमा रहे हैं। कितना नंबर घुमा रहे हैं अभी? घुमा रहे हैं 10। 10 नंबर ये घुमा रहे हैं। आप देखिए कितना ऊंचा हो गया ये मकान। पहले जो ये बोर्ड था वो यहाँ पर था, आराम से हाथ से जो है इसे दबाया जा सकता था, लेकिन ये बोर्ड यहाँ से वहाँ ऊपर चला गया, यानी कि करीब 4-5 फीट ऊपर चला गया। आज आप लोग ये लाइव उठा रहे हैं? जी सर। कैसे बोलते हैं? सिर्फ नंबर से चलते हैं हम। हाँ। इसे जो अभी नंबर 10 चल रहा है, सारे बंदे नंबर वार से चला रहे सर। बोलते हैं तो आप लोग क्या घुमाते हैं? कितना? अच्छा, मतलब 10 बोले तो ये लोग जी सर। अच्छा, एक से लेकर कितना तक घुमा? 15 जे, एक बंदा चलाएगा 15, मतलब एक बार पूरा घूम जाए? जी सर। एक साथ पूरी बिल्डिंग उतना उठती है? जी सर, एक साथ। देखिए, ये सोनू है, जो कौन सी कंपनी से है? MMJA लिफ्टिंग हाउस। MMJA लिफ्टिंग हाउस। अगर आप भी अपने घर जो है लिफ्ट कराना चाहते हो या फिर कहीं पर शिफ्ट कराना चाहते हो तो MMJA कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क नंबर भी है, क्या है? जी, कॉन्टैक्ट नंबर है 94155-17390, 95-19-12-3000। ये पूरे देश में आप लोग इसी तरह? जी सर, ऑल इंडिया सर हमारा काम है। अच्छा। जी भाई साहब हमारे भी करते हैं, उनका नाम मोहम्मद जाहिद है। जी सर। तो ये लोग क्या, आप लोग खानदानी ये काम करते हैं? जी सर, ये खानदानी है काम। कितने दिन से? सर ये बहुत सालों से हो रहा है, हमारे बचपना भी नहीं था उस। जी सर। तो देखिए, दादाजी भी करते थे और ये भी कर रहे हैं, और इन्होंने नंबर बताया है, अगर आपको भी इस तरह से घर उठवाना हो तो उठा सकते हैं। पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कई तरह के सवाल थे। सवाल ये था कि जो पिलर था, क्या ये जो पूरा घर है वो बिना पिलर का है और इसीलिए इसे ऊपर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए बताना चाहूँगा कि देखिए, इस घर में भी पिलर है और इस पिलर को जो है काटा गया है और उसके बाद उठाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि पिलर को किस तरह से यहाँ पर काटा गया है और उसके बाद उठाया गया है। आप देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये पिलर था। इसी तरह जो है इस घर में कई पिलर हैं और इस पिलर को पहले काटा गया और उसके बाद जितने भी पिलर हैं उसे काटा गया है और उसके बाद जैक लगाकर उठाया जा रहा है। नीचे बुनियाद भी खोदते हैं, उसके बाद जैक लगाते हैं, चैनल लगाते हैं। ये जो टाई बीम के ऊपर से आप लोग सतह टाई बीम पर ये जैक लगाकर वहाँ से उठाते हैं? जी, टाई बीम से भी उठा लेते हैं, टाइम के ऊपर से भी उठा लेते हैं, टाई बीम के ऊपर भी। और उसके बाद ये जो दीवाल है, ये दीवार लगातार आप लोग देते हैं? जी जी सर, जब हमारा 1 फीट लिफ्ट हो जाएगा उसके बाद ये चले होगी। ये जो
नहीं जो है ये टेम्प्रोरी हो रही है सिर्फ जैक को रखने के लिए कि इसी पर फिर आगे? जी सर ये बेसमेंट बनेगा, ये तो हमारी लोकल दीवार बन रही है जी, ये टूट जाएगा जो हमारी कवर एरिया की जो है फ्रेम वो ओरिजिनल रहे। अच्छा, ये जो पिलर है जैसे कि यहाँ पर पिलर था, आप लोगों ने इसे काटा और फिर जब नीचे से पिलर देकर क्या इसे जोड़ेंगे? जी सर, जब हमारा लिफ्टिंग हो जाएगा 8 फीट, इसके बाद 8 फीट की सरिया जॉइंट करेंगे इसमें बिल्डिंग करके। मकान यहाँ जब था बेस में, अभी जो उठकर यहाँ तक आ चुका है और नीचे से पिलर को काटा गया है, और जब ये ऊपर तक हो जाएगा जैसा कि ये बता रहे हैं कि 8 फीट तक इस मकान को उठाना है और 8 फीट का फिर सरिया जो है नीचे से ऊपर जो है वेल्डिंग कर दिया जाएगा और उसके बाद उस पिलर पर पूरा मकान आ जाएगा। कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि बाथरूम को किस तरह से उठाया जा रहा है, तो देखिए ये बाथरूम है और इस बाथरूम को भी उठाया जा रहा है, जो पाइप है उसे और जोड़ दिया गया है और उसके बाद ऊपर का जो पेन वगैरह है वो हटा दिया गया है फिलहाल और ये लगातार ऊपर उठ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे लगातार घुमाया जा रहा है और ये बिल्डिंग जो है सतह से ऊपर हो रहा है। हमारे साथ इस मकान के मालिक हैं, आप लोग इसी घर में रहते हैं अभी भी ऊपर? जी जी, अभी रह रहे हैं ऊपर में ही। कुछ फील होता है जब ये लोग काम करते हैं तब, कि उठ रहा है या कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ फील नहीं होता है, जब नीचे आते तो देखते हैं कि इतना ऊँचा हो गया है, तो कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग जैसे पहले रह रहे थे अभी भी वैसे ही रह रहे हैं, किसी तरह का डर भय नहीं है, मतलब ये सुरक्षित है। कई लोग बोल रहे हैं कि घर कमजोर हो जाएगा, ऐसा कुछ आप लोग आप इससे पहले रिसर्च किए होंगे इंजीनियर से? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बात किया भी है, रिसर्च भी किया है, इन लोगों से भी बात किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये पता चला कि इस टाइप का होता है और यहाँ पे झारखंड के लिए नया है, इसलिए सबको दहशत लग रहा है कि पता नहीं गिर जाएगा क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन वैसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे ही ऊपर में सेकंड थर्ड जैसे जैसे एक्सटेंड करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं पिलर को ज्वाइंट करते करते जाते हैं, वही सिस्टम ये नीचे से हो रहा है, बस फर्क यही है। देखिए ये नीचे से हो रहा है, ये बता रहे हैं कि जब एक फ्लोर आप बनाते हैं, ये 2 मंजिला मकान है ना? जी जी, 2 मंजिला, तो एक फ्लोर जब आप बनाते हैं और उसके बाद फिर कोई फ्लोर बनाते हैं तो उसमें भी पिलर में आप जोड़ते हैं सरिया। बाहर से आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से जो है घर अब तक कितना उठ चुका है और लगातार ये उठने का जो काम है वो जारी है। आप देखिए ये इस तरह से जैक लगाकर और यहाँ भी जैक लगाकर लगातार इसे उठाया जा रहा है। इधर जब आप देखेंगे तो देखिए जो बाहर छज्जी निकला हुआ था वो छज्जी जो है नीचे नहीं झुक जाए, इसलिए यहाँ पर भी जैक लगाया गया है और इसे उठाया जा रहा है। घर के बाएँ तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर छज्जी था और यहाँ पर किस तरह से लोहे का बीट देकर और फिर यहाँ पर जो है उठाने का काम किया जा रहा है। इधर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, तब आपको पता चलेगा कि आखिर कितना मकान अब तक उठ चुका है। आप देखिए ये यहाँ तक था ये मकान, अभी यहाँ तक उठ चुका है ये दीवार और ये देखकर आप समझ सकते हैं कितना। अभी घुमा रहे हैं आप? 13 नंबर। देखिए ये नंबर बोलते हैं और उसके बाद ये लगातार उठाते जाते हैं। इसी तरह पानी जो है इस घर में भर जाता था और इसी से ये परेशान थे और उसके बाद ये नंबर 14 लगा लाल पे। सभी का नंबर 14 लगेगा भाई, फटाफट नंबर लगा लो, किसी का नंबर आगे पीछे नहीं चलना चाहिए। ये आप लोग बोलते हैं इसी तरह उठाते हैं? हाँ जी। अभी नंबर 14 चल रहा है। अच्छा, 14 बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा? 14 नंबर इसलिए बोल रहे हैं, नंबर 60 नंबर तक बोलेंगे गुल्ला हमारा फुल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में गुटका फिर लगाएंगे। हाँ जी, आज अभी उठाते उठाते उठा देंगे 8 फुट। आज अभी तक कितना फुट उठा? आज वही 12 इंच उठाएंगे। हाँ जी, अभी उठ गया 7 इंच। हाँ जी हाँ जी, 5 इंच उठाना है इस मकान को। आप देखिए यहाँ से का जो बेस था इस मकान का, जब इसमें पानी इसी तरह आता था, वो उठकर यहाँ तक आ चुका है। ये 2 मंजिला मकान इसे जो है कारीगरों ने उठा दिया है। इधर का भी नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लगातार ये काम जो है जारी है। ये पीछे का हिस्सा है मकान का, आप देखिए यहाँ जब देखिएगा तब समझ पाइएगा कि किस तरह से उठ रहा है। नीचे जो दीवार है, या जैसे जैसे मकान उठ रहा है और उसके बाद इस दीवार को जो है देते जा रहे हैं, और अभी नंबर 14 जिस तरह से ये बोलते जा रहे हैं नंबर, और उस हिसाब से इसे लगातार उठाया जा रहा है। तो देखिए किस तरह ज़मीन की सतह से ऊपर पूरा मकान जो है आ चुका है और हम सीढ़ी पर हैं।
और घर में जैसे पहले लोग रहते थे उसी तरह रह रहे हैं। इस वक्त इस मकान की मालकिन हमारे साथ हैं, क्या नाम है? निखत परवीन। जी, डर लगता है जब उठता? नहीं, डर नहीं लगता। पहले डर लगा था, उसके बाद अभी नहीं लगता। अभी देखिए, हम लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बना रहे, नहा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, सब कुछ सभी उसी प्रकार से। अभी नहीं चलता? नहीं। जब फर्स्ट डे था तो उस दिन तो हम निकल गए थे, घर से बाहर भाग गए थे कि कहीं ना पूरा घर मेरे ऊपर गिर जाए। हमने कभी देखा नहीं था इस टाइप का काम होते हुए, तो डर बहुत लग रहा था। इनके बड़े भाई थे जाहिद साहब, जो इंजीनियर हैं, उन्हीं के बगल में जाके हम बैठ गए कि जहाँ घर गिरेगा तो तुमको हम दबोच लेंगे। मगर ऊपर वाले की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो जब ये लोग काम करता है उस समय भी हिलता डोलता कुछ कुछ नहीं, पता भी नहीं चलता। इतना देखिए आप ही के सामने हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं। अचानक नीचे आके देखते हैं तो ऊपर हो गया, ऊपर इतना ऊपर हो चुका है। देखिए अभी हम उतरे हैं, उतर रहे तो देख रहे करे इतना ऊँचा हो गया, यानी कि अभी कितना हुआ होगा सोनू? पाँच फीट चल रहा है। ये कंपनी है MMJA, ये है लखीमपुर यूपी की। अच्छा, कंपनी से काम करवा रहे हैं? जी, हमने सोशल मीडिया पर सर्च किया, उसके बाद जब हमारे घर में पूरा पानी भरने लगा, पूरा ठोकने पर पानी आने लगा, हमारे नीचे वाले माने अपार्टमेंट में सांप, बिच्छू, केकड़ा, यहाँ तक कि दो दो सांप ऊपर चढ़ करके जा रहा था। वो तो कैमरा में हम लोग देख लिए तो उसको फिर मारे, नहीं तो वो तो ऊपर चढ़ चुका था। पानी जमा हो जाता था, सांप बिच्छू आता था, इसीलिए आप लोग जो है ऊंचा करवा रहे हैं। सांप बिच्छू, पूरा हमारा एक ऑफिस था वो पूरा बर्बाद हो गया। तब मैंने एकदम रात पे नींद नहीं आती थी हमें, रात भर हम सो नहीं पाते थे इसका लेकर के कि एक घर भी बनाया तो इस टाइप का हो गया है। उसके बाद फिर मैंने किसी के मुंह से सुना था कि इस टाइप का काम होता है। तो सोशल मीडिया पर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो हमें इन लोगों का एड्रेस मिला और मैंने इन लोगों को फ़ोन किया, संपर्क किया। इन लोगों ने बहुत सारी वीडियो, 150 वीडियो इनके भाई ने हमें भेजा। उसके आके पहले इन लोगों ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद कहा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डर है अपने मकान का लेके तो आप मत कराइए, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आपके मकान को कुछ नहीं होगा और आपके आपको मैं एग्रीमेंट कोर्ट से बना के दूंगा। हर जाना भी हम देगा, कुछ भी होता तो उसकी हर जाना मैं भरपाई करूँगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in